हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मेकओवर्स बाय मी। तो आज हमारा वापसी का दिन है और अभी आज हमें दो गुरुद्वारा साहिब और मत्था टेकना है। तो अभी मैं सो के उठी थी तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ हमारी बालकनी का। तो ये गोल्डन टेम्पल है यहाँ और ये बैक साइड है। ये जो गली है यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं बीच में, और इसको देख के ना मुझे एकदम पुरानी फील आ रही है, जैसे 1950s में वैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते ऐसे बहुत ही पुराने पुराने जैसे घर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। तो पूरी सिटी दिख रही है यार यहाँ से। तो बस अब सब उठ गए हैं और बस अब नहाना धोना है, रेडी होना है और फिर हमें निकलना है ब्रेकफास्ट करके, फिर हम दर्शन करने जाएंगे और वहीं से फिर हम आगे निकल जाएंगे घर के लिए। ओके, नाउ आई एम रेडी एंड दिस इज टुडेज लुक। तो ये एक ए लाइन सूट है, अभी मैं फुल पिक्चर मिरर में दिखा दूँगी। और बस अब यहाँ से चेकआउट करके हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, पीर साहब, बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा है, उत्थे जावेंगे। उस तो पहला से शहीदा के गुरुद्वारे जावेंगे, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। उससे पहले हम खाएंगे, उससे पहले हमें पेट पूजा करने जाएंगे, फिर हम मत्था टेकने जाएंगे। भूख लग रही है, नहीं भूलना, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा हम लोगों ने अभी तक। इंटरमीडियंट फास्टिंग तो हो ही गई हमारी, कब खाया था लास्ट? कैसी फास्टिंग है जो रात 11 बजे तक होती है? अरे फास्टिंग है, रात को 11 बजे तक हम खाते हैं, फिर अगले दिन 11 बजे खाते हैं। नो इंटरफेरेंस फास्टिंग, ये बढ़िया था, नो इंटरफेरेंस फास्टिंग। तो ये है मेरा सूट, तो बटन्स लगे हुए हैं, ये पीछे से दिखाऊं नहीं दिख पाएगा, नीचे से कट है ऐसे, और ये जुत्ती। आर यू रेडी? आई एम रेडी टू लीव। चलो फिर चलिए। तो चेकआउट हमने कर लिया है, अब बस मार्केट जाना है, थोड़ा खाने पीने का सामान लेके नहीं गया, अमृतसरी बढ़िया और पापड़ लेने जा रहे हैं। भैया पार्किंग में जा रहे हैं, बैग ये भी ले जाओ। अभी हम जा रहे हैं सोयाबीन बढ़िया और पापड़ लेने, अमृतसरी बढ़िया बहुत टेस्टी होती है, अभी कभी अमृतसर आओ तो लेके जाना। ये अमृतसरी पापड़ बढ़िया, पार्किंग के साथ की दुकान है तो आप यहाँ से ले सकते हो 200 ग्राम पापड़ और बढ़िया, बहुत सारे यहाँ पे वो भी हैं मसाले भी, तो आप ये भी ले। तो ये इनका नंबर है, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹਮਨੇ 120 ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਮੰਮੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕ੍ਰੀਮ ਬਗਾਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਸਭ ਹਮ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ तो मेरे फ़ोन से सारी वीडियोस डिलीट हो गई थी, बट थैंक गॉड मैंने आई क्लाउड से दोबारा रिकवर करके दोबारा व्लॉग करा है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं काला स्वीट्स पे, मैं दिखाती हूँ। भूख लग रही है, अंदर कहाँ बता रहे हैं, पीछे वहाँ पे है शायद, कौन का रेस्टोरेंट पीछे है। और अभी बस हम जाएंगे खाएंगे कान्हा जी के पास। सैनिटाइज कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पूड़ी छोले और लस्सी मिलती है, चाय सैंडविच वगैरह और कुछ नहीं, इनके पास सिर्फ मेन्यू में यही है पूड़ी छोले, और ये आ भी गए। क्विक सर्विस लगा के रखी होती है, चटनी की ये पूड़ी है, ये भटूरा नहीं है, ये पूड़ी है, इतनी बड़ी कितनी बड़ी है ना। How's the taste? Nice. Review time. कैसा रहा आपका? कुछ नहीं हो सकता हमारा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी हमने खा लिया है और हम फिर खाएंगे। अभी हम खाना खा रहे हैं बट हम फिर भी लंच खाएंगे। शॉप
हाँ हमने लिए और अब आएगी नींद अच्छी खासी, पर अभी गुरुद्वारे साहब जाना है। गुरुद्वारे साहब पहले हम बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे जाएंगे, उसके बाद हमने जाना है बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे अपने शॉपिंग वगैरह के लिए। अभी जा रहे हैं मायर और बोनी के लिए कुछ शॉपिंग करने छोटी छोटी। अभी तो गए बढ़ा लो 50 रुपए में कद घर लंबे होके पहुंचते हैं थोड़ा पहुंच गया बाबा बुड्ढा साहिब जी दे जन्म स्थान पे। असी इतने कोइंसिडेंटली पहुंचे हाँ, मतलब प्लैन इधर का नहीं सी, दूजे गुरुद्वारे का सी, बट उन्होंने सद लिया। आराम नाल बाबा बुड्ढा जी का जन्म स्थान है, और जो पहले हम गुरुद्वारे में गए थे वहाँ बाबा बुड्ढा साहिब जी एंड गुरु नानक देव जी का मिलाप होया सी, ते जेड़ी मैं बोली फैद दिखाई सी, मतलब जो कुआं था वो था। वायद के लिए मैंने ये ले लिया है, मायरा से खेलती नहीं है तो उसके लिए कुछ और लेंगे। तो अभी हम ब्रूनी के लिए कोई टॉय ले रहे हैं, और क्योंकि ब्रूनी को बहुत पसंद है अभी तक टॉयज के साथ खेलना। ये ब्रूनी के लिए ये ब्रूनी के लिए लिए कितने प्यारे ने, मजा आ जाएगा उसको, पूंछे ला ला के बस हो रहेगी उसके। हाफ प्लेट ब्राउन राइस ग्रिल चिकन बिरयानी और पतले हो जाएंगे मुझे तो लगता है। इवनिंग स्नैक्स में 50 ग्राम रोस्टेड चना, डिनर में 120 ग्राम ग्रिल्ड फिश और वेजेस ओनली। नॉट अभी कर रहे हैं, ऐसे बनते हैं तंदूर। ये देखो बड़ी धूप हो गई एकदम से, इतनी गर्मी लग रही है ना, जैसे मैंने चुन्नी लपेट ली स्पाइडरमैन बन के। तो काफ़ी थक गए हैं सब, मम्मा तो यहाँ सो गई हैं, भाभी आगे लेटी हुई हैं, भैया बेचारे ड्राइव कर रहे हैं, इनकी भी बहुत मेहनत है यार, कल से ड्राइव कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भैया। अभी हम आ गए जलंधर, और अभी हम जाएंगे लवली स्वीट्स लेने जाएंगे, सूट लेने आए स्पेशली जलंधर। अभी वेरका पे रुके हम, यहाँ से देसी की लेना और आइसक्रीम खाने आऊ लग गई। चलो यार आइसक्रीम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। चलो हम यहाँ पे आए भी नहीं, ना यहाँ घी है ना यहाँ आइसक्रीम है, कुछ नहीं है। अब हम दोबारा गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ नहीं खोला इन्होंने, बेवकूफ बनाया। हाँ तो मैं भी तब 7 साल की होंगी, तो फिर ये हमारा होटल आने था, हमारा होटल पीछे था, पर हम यहाँ आए थे। हम 2 साल कितने साल पहले आए थे भाभी, हम 3 यार। हमारे होटल के उधर तो लाइटें लगी हुई थी है ना। हाँ लाइट्स लगी हुई थी और कट से लेके जा वो लवली स्वीट्स के पास था हमारा होटल, तो हम आए थे यहाँ ऑलमोस्ट 3 या 4 साल पहले, और अब हम दोबारा आए हैं। सूट लिया वाली है इस बार, वोट करना नहीं भूलना। तो यहाँ हम आ गए हैं गणपति के पास, गणपति मार्केट, सॉरी सूट की दुकान है जो,
तो यहीं पे आए थे हम पिछले 3-4 साल पहले, यहीं से सूट लेके गए थे, अब दोबारा यहीं पे आ गए। काफ़ी सारी मार्केट मतलब बहुत सारे यहाँ पे वो है दुकानें, काफ़ी मार्केट मार्केट से बुरी जा रही है। You have to remove your shoes while going inside. बैठते हैं और ऐसे लेते हैं सूट। ये भाई इतनी सारी शॉपिंग, मतलब वो वाले सूट तो बहुत भूख लगी है, तो अब हम कहीं खाने जा रहे हैं, राजपुरा रोड पे रुकेंगे। तो अभी हम खाने के लिए रुके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लंच हमने किया नहीं था सुबह से, वही पूरी खा रहे थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया हुआ था। तो बस अभी हम यही देख रहे हैं कि क्या मंगवाना है। तो भाई अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में, एक मतलब लड़की आई कोई गल नहीं, फिर आई और कहती कि आप यूट्यूबर हो ना, मैंने आपको देखा हुआ है, मैंने अभी आपकी हल्दी वाली वीडियोस भी देखी। मैं बोला हाँ, कहती मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, एंड शी वाज हैप्पी। तो मैं उसे मिली और एकदम सडन था, अच्छा लगा मुझे यार काफ़ी ऐसे मिल के। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स रियली नाइस। मतलब अच्छा लगता है व्हेन यू मीट योर फॉलोअर, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू हैव सच ब्यूटीफुल फॉलोअर्स लाइक यू। तो खाना तो बहुत ही बढ़िया है इनका, और जब भी आप राजपुरा रोड से आओ तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर रुकना, मयूर सिमरन ढाबा इसका नाम है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका। थैंक यू। बस अभी आइसक्रीम डिसाइड कर रहे हो कौन सी खानी है। अच्छा ये था होटल मयूर सिमरन राजपुरा रोड पे। तो अभी हम करने जा रहे हैं भूतों की बातें, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि हम सो जाए, इसलिए हम भूतों की बातें स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहले बताएंगे जसमीत भाभी, आपके घर के पीछे क्या हुआ था, क्या बता रहे थे आप? अरे हमारा जो दीवान है वहाँ गोइंग फॉर एक्सटेंशन